हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलौंजी का ऑयल। मैं आज आपको बताऊंगी आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, और आप इसको जैसे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है हेयर में, किस किस प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप कैसे लगा सकते हैं अपने हेयर पर, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कलौंजी का ऑयल है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कलौंजी के ऑयल की। उन्होंने मुझे बहुत सारे मतलब गाइड भी किया है, लेकिन उसमें मुझे बेनिफिशियल कुछ लगा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिंपल तरीका बताया हुआ है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको क्या फ़ायदे होंगे। उन्होंने खुलकर वीडियोस में जानकारी नहीं दी हुई है कि आप इसको कैसे यूज़ करें। जो इसका बेनिफिशियल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ की, यानी कि किस किस प्रॉब्लम्स में आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, यानी कि आपके बालों में खुश्की होती है, डैंड्रफ होता है, और जैसे स्किन पर जो बालों के स्कैल्प पर आपके कुछ निशान हो जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं या वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, उस पर्पज़ में आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आपके डैंड्रफ हो रहा है, उस पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, यानी कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, उस पर्पज़ में भी आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप इस तेल को नहीं, इसके साथ एक और तेल है जो मैं आपको बताऊंगी। आप उन दोनों को यूज़ करेंगे, एक साथ मिक्स कर अपने स्कैल्प पर लगाएंगे, तो आपको चार दिन में आपको फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डैंड्रफ हो रहा हो, हेयर फॉल हो रहा हो, कोई स्किन डिसीज़ हो रही हो, यानी कि स्कैल्प पर कोई डिसीज़ हो रही हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और जगह जगह चकत्ते बन रहे हैं गंजेपन के, यानी कि जैसे स्किन पर कहीं बाल आ रहे हैं, कहीं गंजापन आ रहा है, और आपके जो बाल झड़ जाते हैं वो दोबारा आते भी नहीं हैं, तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी आप कौन सा, यानी कि इस कलौंजी के तेल के साथ आप कौन सा एक और ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसके साथ आप जबोरंडी हेयर ऑयल है, इसके साथ आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा जबोरंडी, यानी कि जब आप कलौंजी का तेल अपने बालों में लगाने के लिए लेंगे, साथ ही साथ आप जबोरंडी हेयर ऑयल भी ले सकते हैं, यानी कि मतलब आपके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, आपको जो मैंने डिसीज़ बताई है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो अगर आप उसके साथ जबोरंडी हेयर ऑयल लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब 100 से भी 200 फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कलौंजी तो अपने आप में एक गुणकारी तेल है ही, लेकिन जो जबोरंडी हेयर ऑयल है ये भी बहुत बेनिफिशियल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो, हेयर डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा हो, और आपके जो स्किन है वो शो हो रही हो और बाल उस पे से झड़ गए हों, तो उसमें आप इन दोनों तेल को यूज़ कर सकते हैं, मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जबोरंडी हेयर ऑयल है, इसमें बहुत सारे गुणकारी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिलाई गई है, जो अर्निका मोंटाना है, जो होम्योपैथिक में बेस्ट ऑयल माना जाता है, इसमें मिलाई गई है। और जो ये हमारी कलौंजी का तेल है, ये तो पुराने टाइम से चला ही आ रहा है कलौंजी का तेल लगाना। तो फ्रेंड्स, हेयर में अगर आपको ये तक देखने को मिलती है दिक्कत, तो आप इस दोनों को मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपके बालों में जो गंजापन हो रहा हो, जो आपके बालों में दिखता है कि बाल दिख रहे हों और स्किन अंदर से अलग चमक रही है, तो लग रहा है कि हेयर डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है। अगर स्किन पर कहीं हेयर डैंड्रफ हो रहा हो, वाइट खुश्की हो रही हो या वाइट पैचेस हो रहे हों, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कलौंजी के तेल के साथ जबोरंडी हेयर ऑयल दोनों को मिक्स कर एक बाउल में क्वांटिटी के अपने हेयर की क्वांटिटी के हिसाब से
अपने एक बाउल में लें और उसमें डालकर आप अपने हाथों से जो उसको अच्छे से मिक्स कर अपने स्कैल्प पर लगाए और जो हाथों के पोरे होते हैं नेल्स के पास उसको अच्छे से मालिश करें अपने हेयर की। तो फ्रेंड्स, जो मेन ऑयल का प्रोसेस होता है वो आपको रात में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों के लिए। अगर आपके बालों की लंबाई बहुत कम हो रही हो, बाल बढ़ते ही नहीं हैं, झड़ ही रहे हैं, या आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ऑयल को मिक्स कर अपने बालों में रात को लगाकर छोड़ दीजिए और सुबह को अपना वॉर्म वाटर से या अपना नेचुरल वाटर से आप वॉश कर सकते हैं बालों को अच्छे से। फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, मतलब दोनों ही ऑयल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं हेयर ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने देखा है मार्केट से आप बहुत सारे ऑयल लाते हैं मार्केट में, या यूट्यूब्स पे भी बहुत सारी वीडियोस दी हुई है कि इससे आपके 10 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे या आपके बाल काले हो जाएंगे अगर सफ़ेद हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल आपके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप उस पर्पस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल अंदर से ही काले होते आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं दोनों ऑयल। अगर आपके कहीं स्किन पर पैचेस हो रहे हैं, यानी कि जो आपके हेड है उस पर पैचेस हो रहे हैं, बाल अंदर से आपको दिख रहे हैं कि बाल आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें भी ये दोनों ऑयल लगाकर आप उसकी मसाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो विजल है, ये विजल होम्योपैथिक कंपनी से बना हुआ ब्रांड है, जबरंडी हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आप दोनों की जो क्वांटिटी है अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी लें, एक बाउल में दोनों ऑयल को मिक्स करें और अच्छे से इसको मसाज करें और रात भर लगाकर छोड़ दीजिए। आप चाहें तो अगर आपको अर्जेंट है तो आप नहाने से 2 घंटे पहले भी इसकी मसाज कर सकते हैं। मेन जो होता है बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए या बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए, अगर हम कोई ऑयल लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी अच्छे से मसाज करनी होती है। ये नहीं है कि हमने ऑयल लगाया है और छोड़ दिया। जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है मसाज, जिससे हमारे बालों का जो माइंड का जो खून होता है, जो मांसपेशियाँ होती है, वो अच्छे से कवर हो जा कर लेती है, जो बालों को अच्छे से बढ़ाने के लिए सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे ऑयल की रिव्यू। और फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ करें, आपको ये आप इसको दो बार यूज़ करेंगे बालों में, उसके बाद आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप अपने नॉर्मल शैम्पू से हेड वॉश कर लीजिए, थोड़ा अपना डाइट पे भी ध्यान दीजिए और खान पान पे तो आप ध्यान देंगे और ऑयल भी लगाएं, आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक ऑयल है जबरंडी, और जो ये हमारा कलौंजी का तेल है ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। ये अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो ये ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसको दोनों को क्वांटिटी के हिसाब से लगाएं। आप इसको अकेले में भी लगा सकते हैं। अगर आपको जबरंडी हेयर ऑयल नहीं मिल रहा है तो भी आप खाली कलौंजी का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बालों को झड़ने जो होता है, झड़ते हैं बाल, उसको ख़त्म करता है और बालों को नयापन देता है, बालों को चमक वो करता है, जैसे कि आपके बाल चमकने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते हैं फ्रिजी बाल हो रहे हैं, बहुत डैमेज हो रहे हैं, कि लगता है कि बस पता नहीं बालों में क्या हो गया, रूखा रूखापन हो रहा है, तो उसमें कलौंजी का ऑयल बहुत अच्छा काम करती है। जबरंडी हेयर ऑयल है ये भी, इसमें भी बताया गया है कि इसको भी किसी ऑयल दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए। तो आप सरसों का तेल लगाते हो या नारियल का तेल लगाते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप कलौंजी के तेल के साथ इसको मिक्स करके लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जबरंडी हेयर ऑयल भी होम्योपैथिक का ऑयल है, ये भी अपने आप में एक ऑयल है और ये बहुत यूज़फुल होता है, और जो कलौंजी का तेल है ये भी बहुत यूज़फुल होता है। तो जब ये दोनों ऑयल आप मिक्स कर अपने हेयर पर लगाएंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपके बालों में अलग ही जान आ रही है, आपके जो रूखेपन है वो दूर हो रहा है, आपके बालों की लंबाई बढ़ रही है, और जो बालों में आपके पैचेस हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और वहाँ पर एक नए बाल आपके उगने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बाल पहले की तरह चमक हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑयल आप ज़रूर लगाएं, मैं सजेस्ट करती हूँ, और इनका दोनों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आप जब ऑयल लगाते हैं, ऑयल की मसाज करते हैं रात को, तो आपको चोटी जो चोटी होती है वो गूंद लेनी चाहिए, जिससे जो हमारे हेयर है वो रात को टूटे नहीं। जैसे बिस्तर पर लेट कर टूट जाते हैं करवट के टाइम पर, कि हम इधर इधर करवट कर लेते हैं तो टूट जाते हैं, तो आप अपनी चोटी गूंदिए, और क्या नाम है, आप ये ऑयल लगाएं दोनों को मिक्स कर कर। हफ्ते में आप इनको दो बार तो लगाएं, अगर आपको अर्जेंट है कि आप, तो फिर भी आप लगाएं इसको हेड वॉश करने से पहले। ये एक बहुत अच्छा कंडीशनिंग, जो हमारे बाल में हम कंडीशनर लगाते हैं उसका भी बहुत अच्छा काम करता है, कंडीशनिंग करता है हमारे बालों को, इसलिए हमारे बाल चमत्कार हो जाते हैं, मतलब हमारे बाल चमकने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये होम्योपैथिक का ऑयल है और ये हमारा आयुर्वेदिक की कलौंजी का ऑयल है, दोनों को आप इससे मिक्स करें और इसको लगाएं। बस ये मेरी रिव्यू था, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।